गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना और यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में यातायात संबंधित दिशा निर्देश और यातायात जागरूकता के संबंध में रविवार को चेतना तिराहा गोलघर से जन जागरूकता रैली निकाली गई। जन जागरूकता रैली को पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा और कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना डॉक्टर केशव सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने हाथ में बैनर लिए गोलघर की सड़कों पर लोगों को यातायात संबंधित दिशा निर्देश के नारे लगाकर जागरूक किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा और गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर केशव सिंह ने कहा, शाम को हम ऑफिस जा रहे हैं। यातायात जागरूकता दिवस के रूप में एनएसएस का सहयोग लिया और इसी क्रम में हम आप गोरखपुर के समस्त नागरिकों से ये अनुरोध करते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के संचालक बंधु डॉक्टर केशव जी और सभी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों द्वारा जो कौमी एकता के लिए प्रयास किया जा रहा है उसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा और आशा करता हूँ कि आप इस प्रकार का मैसेज पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैलाएं। इसके साथ ही हम लोग क्योंकि यातायात मार्ग चल रहा है, हम लोगों को आप लोगों से अनुरोध है कि यातायात के विषय में वन टू वन और अपने मोहल्ले में, अपने आसपास और जनता के लोगों को आप लोग अवगत कराएं कि यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, यातायात के क्या परिणाम है, यातायात के नियमों का पालन करने क्या परिणाम है, ना पालन करने क्या परिणाम है, ये आप लोगों को बताना है और हम लोग यही आशा के साथ आप लोगों को ये आज का जो कार्य है समर्पित करते हैं, उसमें हम लोग आपके साथ होंगे, हमारी यातायात की टीम आपके साथ में होगी, कृपया थोड़ी देर की इच्छा करें। संयुक्त तत्वाधान में आज यातायात जागरूकता रैली में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी, एसपी ट्रैफिक, हमारे कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, प्रयास करना हमारा धर्म है और प्रयास से रिजल्ट निकलते हैं। अब 100% एक्यूरेसी तो बड़ा मुश्किल होता है, कोई भी कार में 100% एक्यूरेसी लाना, हम लोग 0 से 80% तक एक्यूरेसी ले आए हैं, तो आगे आशा करते हैं कि हम लोग 100% नहीं तो 99% एक्यूरेसी ले आएंगे अपने कार्यों में, अपने मिशन में। ये दो संदेश है, एक तो कौमी एकता का संदेश है, दूसरा यातायात जागरूकता का संदेश है। दोनों प्रकार के संदेशों को समाहित करके ये रैली निकाली गई है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना तथा यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोग यातायात जागरूकता रैली माननीय एसपी ट्रैफिक श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी के निर्देशन में निकाल रहे हैं हम लोग, तथा आज हम लोग यातायात दिवस के रूप में लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। चूँकि जीवन सबका अनमोल है, इसलिए वो लोग अपने जीवन के महत्व को समझें, हेलमेट लगाएं, अपने परिवार के लोगों का महत्व समझें। आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लोग जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो लोग इंतजार करते हैं कि आप घर लौट आएंगे समय से, इसलिए आप अपना जीवन सुरक्षित रखने के लिए यातायात के नियमों का पालन बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय सेवा योजना अपने स्वयंसेवकों को इसके लिए जागरूक कर रहा है, जिससे हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक समाज में जाके लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करेंगे। धन्यवाद।